बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, या कुछ ख्वाब हैं जो पूरे करना चाहते हैं, तो ये मेरी वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव और बहुत तब्दीली आने वाली है। अब वो सब कुछ सीखने वाले जो कामयाब इंसान को सीखना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। वीडियो का टाइटल बहुत ही अहम और ज़रूरी है। कामयाबी क्या होती है, कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, और हकीकी कामयाबी किसको कहते हैं, इन तीनों टॉपिक को मैं इंशाल्लाह वन बाई वन डिस्कस करूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टेप, कामयाबी क्या होती है। कामयाबी होती है जी किसी मकसद को हासिल कर लेना, किसी मरतबे को पा लेना, किसी मकाम को पहुँच जाना, किसी मिशन को गेन कर लेना, किसी कंपटीशन को जीत लेना, किसी टारगेट को अचीव कर लेना, ये सारी चीज़ें सक्सेस कामयाबी कहलाती हैं। हर इंसान की कामयाबी का मियार उसकी ख्वाहिश और उसकी उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का कामयाबी का लेवल दीनी हिसाब से कामयाब होना चाहते हैं, कुछ दुनियावी हिसाब से कामयाब होना चाहते हैं, कुछ जॉब में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। ये उनकी कामयाबी का अलग अलग लेवल है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहला जो अहम टॉपिक है वो है जी टारगेट। मेरे हिसाब से टारगेट जो होता है इंसान का माइंडसेट टारगेट कहलाता है, कि इंसान ने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वो उसका माइंडसेट उसकी कामयाबी का अहम रुकन है। अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस मिशन में कामयाब होना है, या मैंने किस मंजिल को हासिल करना है, किस मरतबे तक पहुँचना है, किस मकसद को गेन करना है। ये सारी चीज़ें उसका टारगेट और उसका गोल कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ने किसी सिमत सफ़र करना है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस सिमत सफ़र करना है, उसके डायरेक्शन क्या है। तो वो सही सिमत में सफ़र करेगा तो वो उस मकसद को, उस मंजिल को गेन करेगा, अदरवाइज़ उसका टाइम का वेस्टेज होगा और उसका उसकी कुव्वत का ज़िया होगा। इसलिए टारगेट जो मेन और अहम रुकन है कि टारगेट अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए जो उसका मिशन होगा उसको टारगेट करना, भी मैंने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको पता होगा कि मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे मेडिकल के लिए कितना कंपटीशन चाहिए, मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, मुझे किन किन मुकाबले में कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो वो उस हिसाब से मेहनत करेगा, उस हिसाब से एफर्ट करेगा, तो उसका एक टारगेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास में 30 से 35 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 30 बच्चों का कोई माइंडसेट नहीं होगा, उनका कोई टारगेट नहीं होगा, उनको कोई पता नहीं होगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, क्या हमारा मकसद है। इसलिए वो लोग ज़िंदगी में ग्रो नहीं करेंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, वो बस मामूली जॉब करेंगे प्राइवेट या कुछ और काम करेंगे, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है उनको कोई मकसद नहीं होता वो क्यों पढ़ रहे हैं। बाकी के जो 4 से 5 बच्चे होंगे उनका कोई माइंडसेट होगा, उनका एक गोल होगा कि हमने इस क्लास में पोजीशन हासिल करनी है, हमने टॉप करना है, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, हमने अगर हमने नेक्स्ट मेडिकल में एडमिशन लेना है तो हमें उसके लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कौन सा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उस हिसाब से एफर्ट करेंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने मिशन, वो अपने मकसद को गेन कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि एक टारगेट को फोकस करना, एक माइंडसेट करना, ये कामयाबी का एक अहम पहलू है। एक तो हो गया ये। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजों पे उसका माइंडसेट और उसकी कामयाबी का असूल अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर स्कूल लाइफ में उसका एक टारगेट और उसकी कामयाबी एक होगी, जी मैंने पढ़ाई में आगे आना है, मैंने कंपटीशन से जीतना है, मैंने क्लास में टॉप करना है, ये उसकी सक्सेस का एक लेवल है। अब जब वो मैच्योर लाइफ में जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, तो उसकी सोच, उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी का एक लेवल अलग होगा कि मैंने जॉब में ग्रो करना है, तो वो उस हिसाब से एफर्ट करेगा, वो कोर्सेज करेगा, वो मुख्तलिफ सोर्सेज से लोगों से मिलेगा, कामयाबी के मुख्तलिफ डिफरेंट वेज सीखेगा, तो ये उसकी दूसरी कामयाबी होगी। या वो एक बिज़नेस ग्रो करना चाहता है तो उस हिसाब से मुख्तलिफ क्लाइंट से मिलेगा और मुख्तलिफ तरीके सीखेगा जिससे बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है। ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ की मसरूफियत होगी, ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस होगी। अब जो प्रोफेशनल लाइफ से आगे निकलेगा, बिजनेस ग्रो से आगे निकलेगा, तो उसकी एक सक्सेस, एक टारगेट मजीद होगा कि उसकी शादी हो, उसकी उसके बच्चे हों, उसकी फैमिली हो, वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। ये उसका तीसरा लेवल होगा। जब वो इसको गेन कर लेगा तो यहाँ पे आके मैं एक चीज़ को फोकस करना चाह रहा हूँ कि इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ मेहनत करता है। यहाँ पे आके वो अपना जो सोच का दायरा कार है वो बहुत छोटा और महदूद कर लेता है। वो ये सोच लेता है कि मैंने ज़िंदगी में जो गेन करना था, जो हासिल करना था कर लिया, अब ये बच्चे हैं, ये मेरी फैमिली है, इनकी किफ़ालत करना माज मेरी ज़िम्मेदारी है।
ये माज उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका एक अहम पहलू है, वो उसके जिम्मे है, वो तो करनी ही करनी है। लेकिन क्या उसने कभी इस जगह पे जाके सोचा है कि क्या इस इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियमतों के साथ अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, तो इसका माँ सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि अपने बच्चे आए दुनिया में आया, बच्चे पैदा किए, उनकी कफालत की, उनकी शादियाँ की और ज़िंदगी और दुनिया से चला गया। यहाँ पे आके अपने अपनी दायरा कार को सोच को छोटा नहीं करना, वसी करना है, सोचना है कि अगर हम लोग दुनिया में आए तो हमारा मिशन क्या है, हम लोग को अल्लाह ताला ने इतना आला और अशरफुल मखलूकात बनाकर क्यों भेजा है। यहाँ पे आके जो उम्र होती है इंसान की 25 से 30 साल, वो मैच्योरिटी की उम्र होती है, वो कुछ कर दिखाने की उम्र होती है, वो दुनिया के लिए कुछ करने की उम्र होती है, वो आखिरत के लिए कुछ करने की उम्र होती है, वो अपने लिए कुछ करने की उम्र होती है, वो गरीबों के लिए कुछ करने की उम्र होती है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करने की उम्र होती है। लेकिन हम जाके वहाँ पर इतनी छोटी सोच कर लेते हैं कि हमने सिर्फ अपने दायरेकार अपनी सोच को सिर्फ माज अपनी फैमिली तक महदूद रखते हैं, जो कि एक छोटी सोच तक महदूद रखते जिससे इंसान ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ अपना अपनी एफर्ट सिर्फ अपनी गुजारा करता है, 8 से 5 ड्यूटी की बस अपनी फैमिली की मेहनत करता रहता है और मुश्किल से गुजारा करता है और सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगा रहता है कि बच्चों के लिए मुस्तकबिल बनाऊँ, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए शादियाँ, उनके लिए अलग घर, इस झंझट से ही वो लोग नहीं निकल सकते क्योंकि उनकी सोच ही इतनी होती है। ये होती है हकीकी कामयाबी को समझना कि हकीकी कामयाबी क्या होती है, इस मकसद को समझना कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा मिशन क्या है, अल्लाह ताला ने हमें भेजा क्यों है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो सिर्फ इसलिए कि अगर हम दुनिया में रहकर अपने आखिरत के लिए कुछ करें, हम यहाँ पे जो करेंगे वो हमारा आखिरत के लिए जमा होगा, हमें उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, हमें उसके लिए कुछ करना है, ये उसकी हकीकी कामयाबी कहलाएगी जिसके ऊपर वो मेहनत करेगा। तो दो चीज़ें डिस्कस हो गई, एक तो हो गया कामयाबी क्या होती है, दूसरी चीज़ें होती है हकीकी कामयाबी क्या होती है, दो चीज़ें डिस्कस हो गई। तीसरी चीज़ का एक पहलू मैंने बता दिया है कि एक कामयाबी हासिल करने के लिए टारगेट के ऊपर फोकस करना एक नहायत और अहम रुकन है। अब कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरा रुकन जो नहायत ज़रूरी है वो है जी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्या होती है जी, मुसलसल मेहनत करना, अपने टारगेट को हमेशा फोकस करना, और ज़िंदगी में प्लस माइनस आए तो अपने टारगेट को भूलना नहीं चाहिए, उसको फोकस रखना चाहिए। अगर वो एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट से हट भी जाता है तो दोबारा उसको पता होना चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वो 2, 4, 5 जितनी दफ़ा मर्जी करे नाकामी फेस करने के बाद भी वो ये ज़रूरी समझे कि मैंने ये प्रोजेक्ट को कामयाब हो कर ही रहना है। बार बार गिरने के बाद, बार बार फ्लॉप होने के बाद वो कभी ये ना सोचे कि मैंने ये नहीं कर सकता, उस काम को, उस मिशन को वो कभी तर्क ना करे कि मैं ये नहीं कर सकता, बार बार उसके ऊपर फोकस करे, क्योंकि कामयाबी नाकामी के बाद ही मिलती है, जो लोग नाकामी से भागते हैं वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा रेगुलरिटी से अपने फोकस, अपने टारगेट के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना, ये उसका दूसरा रुकन हो गया। और तीसरी कामयाबी के लिए तीसरी चीज़ जो है वो है जी नेक इरादे, नीयत। नीयत जो होती है वो मेरे ख्याल से बहुत अहम ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला नेक नीयत, नेक इरादों वाले लोगों को वो जल्दी कामयाब करवाते हैं, जिनके मकसद के पीछे बहुत से नेक मकासद हों। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, उसका नेक मकसद है कि जी मैं गरीबों की कफालत करूँगा, मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूँगा, मुख्तलिफ उसके नेक मकसद जो होंगे वो उसके बैक एंड के पीछे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जल्दी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। ये कामयाबी का तीसरा लेवल हो गया। कामयाबी का चौथा लेवल है अल्लाह पर तवक्कल। जब ये चीज़ें सारी कर ली, मेहनत कर रहा है, टारगेट सेट कर लिया, माइंडसेट बना लिया, तो उसके बाद सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करे कि सिर्फ मुझे अल्लाह ताला ने ही कामयाबी देनी है, क्योंकि हकीकी मालिक वही अल्लाह ताला है, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है, खुशी गमी इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, उसके ऊपर तवक्कल करे और ये करे कि ये अल्लाह ताला ने जब चाह तब भी मुमकिन होगा, और बेशक अल्लाह ताला ने ही करना है और वही करने वाला है। इस चीज़ पर तवक्कल करना कामयाबी का एक अहम पहलू है। चार चीज़ें होगी। लास्ट में मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगा कि इंसान को अपने वालदैन की दुआएं लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि वालदैन की दुआएं औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल होती हैं, तो हमेशा वालदैन का ख्याल रखना चाहिए, उनकी खुशी गमी, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए ताकि उनके दिल से उनकी कामयाबी के लिए दुआएँ निकले और इंसान जल्दी कामयाब हो। तो ये चार चीज़ें होगी जो कामयाबी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।